हेलो दोस्तों, 91, 93, 95 अगर आपका फ़ोन में बैटरी कनेक्टर पर फुल शॉट आता है, यहाँ पे देख लो, बैटरी कनेक्टर में फुल शॉट, तो ऐसा केस में आपका शॉट क्लियर इसमें काम नहीं करेगा। शॉट क्लियर से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसमें कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है, आपको दिखाएगा अभी कहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी बरसात का टाइम में आपको ज़्यादातर किसी भी मोबाइल अगर आता है तो ज़्यादातर फोकस करना है इसका चार्जिंग आईसी में, क्योंकि बरसात का सीजन में 80% मोबाइल तो चार्जर लगाने के बाद में खराब हो जाता है। तो मैंने चार्जिंग आईसी का यहाँ पे क्यों लेके आया आपको अभी बोलेगा, यहाँ पे देख लो, बैटरी का जो वोल्ट आता है ना, तो ये डायरेक्ट चार्जिंग आईसी से आता है। और यहाँ पे देख लो, आईसी का एक साइड में थोड़ा सा जल गया है, और ये जो लाइन है, ये लाइन डायरेक्ट आता है आपका बैटरी वीवाट में, ठीक है ना? ये चार्जिंग आईसी से निकल के डायरेक्ट आता है बैटरी वीवाट में। तो यहाँ पे देख लो, जल गया है ये आईसी, यहाँ पे देख लो ना? ऐसे क्यों होता है? ज़्यादा हीट होने की वजह से ऐसा हो जाता है। ये तो चार्जर लगाया, उठपटंग वोल्टेज आ गया, चार्जर से कभी ऐसा हो जाता है ना, उठपटंग वोल्टेज आ जाता है बिजली गरजने से, है ना? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल टीवी खराब हो जाता है इसी तरह। तो चार्जर बरसात का टाइम में ज़्यादा आदमी लोग लगा के सो जाता है या जो भी होता है, लेकिन छोड़ दीजिए उसका बाद। तो आपने देखा होगा आईसी जल गया है, तो फटाफट आईसी को निकल के हम लोग चेक करेंगे, है ना? देखना है कि अभी भी शॉर्ट है कि नहीं। बरसात का टाइम में अगर किसी भी मोबाइल आपके पास में आते हैं ना, चाहे जो भी मॉडल हो, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है उसका चार्जिंग लाइन में। उस लाइन को अच्छे से ट्रैक करो, देखो कहीं पे जला हुआ तो नहीं है। ज़्यादातर मोबाइल डेड होता है इस चार्जर का लाइन से, ठीक है? तो एक बार चेक कर लीजिए। तो आप सबसे पहले आईसी मैंने निकल दिया, यहाँ पे देखते हैं कि आप भी शॉर्ट है क्या नहीं। तो यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है ये वीवाट का लाइन में, अभी थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है आईसी निकलने के बाद में, ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लो, बैटरी कनेक्टर में भी अभी थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है। तो अभी फटाफट आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं। ऐसा हो जाता है ना, ये ज़्यादा वोल्टेज घुसने से आईसी खराब हो जाता है, फिर आपका सीपीयू भी डैमेज हो सकता है, दूसरा कुछ डैमेज भी हो सकता है, है ना? क्योंकि बिजली गरजने से लगभग 1000 वोल्ट जनरेट होता है, उसके वजह से चार्जर आपका मोबाइल सारे खराब हो जाता है ना। और ये मोबाइल तो चलता है लगभग 3.7 वोल्ट से, आप सभी को मालूम है। और 3.7 वोल्ट का जगह में चार्जर खराब होने के बाद में अगर 200 या तो 300 डायरेक्ट एसी वोल्ट आएगा ना, तो ऐसे ही हालत होता है, आईसी जल जाता है, मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है ना? और मैं कुछ दिनों से थोड़ा दूसरा काम में बिजी था, तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो अभी फिर से आ गया, डेली आएगा 2-1 वीडियो, है ना? क्योंकि आदमी को कभी कभार दूसरा लाइन के बारे में सोचना भी चाहिए। तो ये पर्सनल बातें हैं, आपको बाद में बोलेगा किसी दिन फ्री होके, क्या काम में बिजी था, कहाँ गया था, है ना? तो आप सभी को तो मालूम है, मैं तो बिना रिबल का आईसी लगा देता हूँ, है ना? तो इसमें भी बिना रिबल का लगा दिया। और ये छोटा छोटा आईसी जो होता है ना, ये बिना रिबल का आराम से बैठ जाता है, इसमें रिबल करना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आईसी लगाना कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे पहले
शॉर्ट था, है ना? तो अभी आईसी लगाने के बाद में एक बार चेक करते, आईसी निकलने के बाद में एक बार चेक किया है, अभी लगाने के बाद में एक बार चेक करेगा, है ना? हाँ, अब सही है, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, पहले शॉर्ट था। अभी चेक करना है, देखना है क्या ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये बिजली गरजने से खराब हुआ। देखना है, थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ही वेट करेंगे ठंडा होने के लिए। अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। आईसी को मैंने चेंज किया लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि ये सेट शायद ऑन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चादर ख़राब होने के बाद में ख़राब होगा। आप सभी को तो मालूम है चादर ख़राब होने के बाद में अगर ख़राब होता है तो क्या हालत हो जाता है मोबाइल का, है ना? तो थोड़ा सा मैंने ट्राई किया, ये पावर एसी के टीने को निकाला था, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी फॉल्ट नहीं मिला। यहाँ पे देख लो, बिल्कुल ओके है पावर एसी का यहाँ पे। तो इसका जो फॉल्ट था ना, वो दिखाएगा अभी यहाँ पे, यहाँ पे देख लो, इस एरिया में एक छोटा सा कैपेसिटर था यहाँ पे, इस एरिया में, तो वो बिल्कुल जला हुआ था, ठीक है, मेरा नज़र में वो आया ही नहीं था। ये जो कैपेसिटर है, मैंने ना कुछ शॉर्ट क्लियर यूज़ किया, ना कुछ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, तो ऐसे ही लगा कि ये जल गया है, ठीक है। तो इसको मैंने जब रिमूव किया और जब चेक किया था, 100% सेट ऑन हो गया था, ठीक है ना? तो पावर एसी की टीना मैंने बेकार में निकल दिया, और निकलना भी चाहिए था ना, क्योंकि ये आप सभी को तो मालूम है बिजली खराब, बिजली गिरने से कैसा हालत हो जाता है मोबाइल का, है ना? यहाँ पे देखो सेट बिल्कुल ऑन हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और घंटा का जो बटन है ना, ये ऑल कर दीजिएगा, ठीक है? आपका पास में नोटिफिकेशन शायद नहीं आता होगा, तो इसलिए मेरा वीडियो इतना ज़्यादा वॉच नहीं होते, व्यू नहीं होते। चलो दोस्तों, ठीक है, तो मेरा काम करने का ये जो तरीका था वो बिल्कुल सही था कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। अगर आपका नज़र में कुछ और भी था तो मुझे वो भी कमेंट करके बोल दीजिएगा, ठीक है ना? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगने से प्लीज़ 200 लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।